नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बछवारा बेगूसराय के एक ग्राम के सरपंच के सामने ही युवकों को बांध करके मुखिया के गुर्गे पीटते रहे और पुलिस के सामने घंटों बांध करके युवक को कानून को तार तार किया गया। मुखिया जी के बाइक से एक युवक के बाइक से ठोकर क्या लगी, मानो युवक ने जान की आफत मोल ले ली थी। बस फिर क्या था, न्याय प्रतिनिधि सरपंच की उपस्थित में ही महिला मुखिया ने दो युवकों को बात कर बेरहमी से पिटवाना शुरू कर दिया। पीट पीट करके अधमरा कर दिए जाने के बाद मुखिया जी ने अपने रसूख के बल पर थाने को बुलाकर पूर्व रंजिश के तहत मुकदमा दर्ज करवाते हुए जेल भी भेज दिया। उक्त घटना तब हुई जब मुखिया जी अरवा पंचायत के मुखिया फूल कुमारी अपने पंचायत के बने आइसोलेशन वार्ड का भ्रमण कर वापस आ रही थी। इसी क्रम में सामने से आ रहे ग्रामीण बउआ यादव के बाइक मुखिया के बाइक से ठोकर लग गई। फिर क्या था, मुखिया ने अपने गुर्गों का उपयोग कर बाइक सवार दोनों युवकों को रस्सी से बांध कर बेरहमी से पिटवाना शुरू कर दिया। पीट पीट कर अधमरा कर दिए जाने के बाद मुखिया ने पंचायत के सरपंच विनोद सिंह को बुला करके बछवाड़ा पुलिस को सूचित कराया। उपरोक्त घटनाक्रम की सूचना पाकर एसआई अरुण कुमार सिन्हा दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, मगर घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस भी रस्सी से बंधे युवकों को छुड़ाने के बजाय मुखिया जी के साथ बैठक कर चाय पानी करते हुए मुखिया के भाषण को सुनते रहे। मुखिया के साथ घंटों गपशप करने के बाद दोनों युवकों को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। गौरतलब है कि विगत 3 वर्ष पूर्व से ही उक्त युवक के साथ मुखिया का विवाद चला आ रहा था। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। फिलहाल हम वहाँ से चले आवेदन देने के लिए बछवाड़ा थाना, और मेरा घर पड़ता है 2 नंबर वार्ड, ये भी 2 नंबर वार्ड इस तरफ बोले हमने, मेरा हम वहाँ से चले और इधर से फिर आया। एक बार तो मेरे दरवाजे के पास चक्कर लगाया, हम कहे कि छोड़िए चलिए, हमको थाना प्रभारी बोले हैं कि आवेदन दीजिए, हम आवेदन देंगे, हम कानून से इसको हम फैलाएंगे, हमारा पीछा खून करने के लिए पड़ा हुआ। फिर इधर से आवेदन देने के लिए जा रहे थे, गाड़ी देखिए इधर से ये आया, हमारे गाड़ी में ठोक दिया। अब इसका मानसा समझिए कि दिना दिनी से एक जनप्रतिनिधि एक ग्राम प्रधान को मारने का प्लानिंग है, तो हमारे देश के माननीय मोदी जी और हमारे बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आदेश दिए हैं कि मुखिया लोग को अपने पंचायत के अंदर, कौन आदमी है, कौन जो धक्का दे दी, ये सामने बैठा हुआ है अपराधी, अपराधी बैठा हुआ है सर, मान के रखे हुए हैं। एक मुखिया अपने पंचायत का कैसे पंचायत चला सकता है। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।